नमस्कार, आप सभी का जवाहर कला केंद्र की ओर से मैं आकांक्षा जोशी आज के ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रन समर फेस्टिवल में स्वागत करती हूँ। आज का ऑनलाइन सेशन फर पेंटिंग पे है, जिससे हम जुड़ रहे हैं सीधा चित्तौड़गढ़ से मनोज जोशी सर के साथ। सर 12 बरस की उम्र से ही परंपरागत फर चित्रकला से जुड़े हुए हैं। सर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित हुए हैं। आइए चलते हैं चित्तौड़गढ़ फर पेंटिंग एक्सपर्ट मनोज जोशी सर के पास, जो आज हमें कुछ टेक्निक सिखाएंगे फर पेंटिंग। नमस्कार, मैं मनोज जोशी चित्तौड़गढ़ से, और आज आपके साथ जवाहर कला केंद्र के माध्यम से फर पेंटिंग का मैं इसका इतिहास स्टार्टिंग इस कैसे हुई और इसको कैसे बनाया जाता है मैं जानकारी दूंगा, और इसके फर पेंटिंग के पूरे दूंगा, इसके अंदर कौन कौन से कलर काम में लेते हैं इसके बारे में भी अपन। आइए अपन फर क्या है इसके लिए जानकारी लेते हैं। फड़ का उद्गम कैसे हुआ, फड़ की सबसे पहले फड़ का इतिहास क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और फड़ को पहचानेंगे। फड़ का मूलतः मेवाड़ घराना है, मेवाड़ क्षेत्र का क्षेत्र है और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ रही है। चित्तौड़ फड़ का उद्गम स्थल है। सबसे पहले फड़ का निर्माण पास में एक गंगरार गांव है, वहां से शुरू हुआ। और फड़ का काल जो कहा जाता है के समय से फड़ बनी और बनाई जाती रही। फड़ एक त्रिवेणी का संगम है, कला जो है वो त्रिवेणी का संगम है। फड़ के चित्रांकन भी है, फड़ के अंदर गायन, फड़ के अंदर मंचन भी है। फड़ को चित्र किया जाता है, फड़ को गाया जाता है दोहों के रूप, गीता का गायकी के रूप गा के सुनाया जाता है। इनकी जो कथा होती है वो एक भोपा जाति जो होती है, भोपा जाति के परिवार इसको सुनाते हैं। अलग अलग चित्र कथा होती है, राम जी की, कृष्ण जी की, बाबू जी की, इनकी चित्र कथाओं को गा के ये जाति सुनाती है गांव गांव में। और जब गाती है, जब ये चित्र गाती है, तब उनके साथ में ये नृत्य भी करती है, डांस भी। तो फड़ एक त्रिवेणी का संगम है, इसमें आपको गायकी, इसमें एक चित्र की
चित्रावली भी मिलेगी और एक मंचन भी मिलेगा। वो भोपा जाति गाते वक्त नृत्य करते हैं, इतनी मधुर चित्रकला है और इतनी अच्छी है कि इसको जितनी बार देखो उतनी बार लगता है कि एक बार फिर से। और जब इसको कोई बनाने का चित्रण का सीखने की जो जिज्ञासा में रखे और उसको सबसे सरल तरीके से जाता है। फड़ राजस्थान की लोक कला है, पूरी फड़ चित्र शैली लोक कला पर ही आधारित है कि मूलतः ये लोक कला है। जिस तरीके से के हर राज्य में अपनी अपनी लोक कला होती है, उसी तरीके से में भी फड़ राजस्थान की लोक कला शैली है। मेवाड़ की अर्ली पेंटिंग चित्रकला और चित्र शैली है। राजस्थान की फोक आर्ट कहा जाता है इसे, लोक कला। और इसमें जितने भी हुए राजस्थान के उन लोक देवताओं के समाज के लिए प्रेरणा के लिए जो काम किया, प्रेरणा ने उनकी जीवन के अंदर उन्होंने जो समाज के लिए अच्छे उन कार्यों को इस फड़ के द्वारा चित्रित किया जाता है कि जो कार्य है उनको गा के जन जन तक समुदाय को पहुंचाया जाता है। अपन धीरे धीरे इसके बारे में और भी जानेंगे, पहचानेंगे फड़ को कि इसके अंदर मूलतः चित्र करने के लिए अपने ब्रश काम में लिए जाते हैं। ब्रश चित्रकार कैसे और किससे बनते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फड़ मैं आपको फड़ का चित्रण करने के लिए जो ब्रश बनाए जाते हैं वो स्वयं बनाते हैं। वो अपने जो बाल मिलते हैं जानवरों के द्वारा, पहले के जमाने में चित्रकार स्वयं गिलहरी को और उसको पूंछ से बाल कटिंग करके और उसके बनाते। गिलहरी नहीं उपलब्ध हो पाती है तो गाय के बाल निकाल के और उससे ब्रश बनाए जाते हैं। और ब्रश से आप देखेंगे कि इस तरीके से उनके बाल इस तरीके से नेचुरल बाल से बनते हैं। आजकल समय के बदलाव के कारण और पर्यावरण में वैसे ही जानवर की सुरक्षा के कारण कलाकारों ने ब्रश बनाना बंद कर दिया और किसी अपने एंजॉयमेंट के लिए जानवर को नुकसान न पहुंचे उसके लिए उन्होंने जो प्लास्टिक के बाल के जो ब्रश बन रहे हैं उसी से आज के चित्रकार काम करते हैं। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने प्लास्टिक के जो नए आधुनिकरण ब्रश है उनको अपने ढाला है और उन्हीं से वो चित्र का चित्रण करते हैं। माने में गाय और गिलहरी और नेवले के बालों से ही थे। ये तो रही अपने ब्रश की बात। ब्रश अपने हिसाब से जिसमें कम कलर लगाना है उसमें पतला ब्रश और जिसमें मोटा और ज्यादा कलर लगाना उसमें बड़ा ब्रश काम। और पहले दीवार के लिए ब्रश अलग से बनते थे, ये ब्रश अलग से बनते थे। और पत्थर के ऊपर फड़ चित्रण करना है तो उसके लिए ब्रश अलग बनते थे। आज दीवार और पत्थर का प्रचलन कम हो गया है तो कपड़े पर ही और जो पारंपरिक फड़ का जो कैनवास है उसके ऊपर ही काम में लेते हैं। तो जो ब्रश अभी बाजार में मिल रहे हैं ते वो चित्रण किया जाता है। ये तो हो गई अपने, इसी के आगे अपन एक रंगों के बारे में जानकारी लेंगे। के अंदर मूलतः 6 कलर हैं, 6 कलर से ही चित्रण होता है। सबसे पहले हल्के पीले कलर से चाका जाता का मतलब उसका रेखांकन किया जाता है, उसकी बेसिक ड्राइंग की जाती है। रंग मूलतः जो चेहरे के अंदर होता है, जो स्किन का कलर होता है, जहां जहां स्किन है वहां वहां
ऑरेंज कलर लगाया जाता है। इस फड़ की भाषा में मुंडा बर्निया बोलते हैं। ये मुंड दो कलर से मिला के बनता है, एक तो ताल सिंगरप और एक हड़ताल, ये दोनों को मिलाने से मुंडा बर्निया कलर बन जाता है। मुंडा बर्निया का मतलब ये है कि जिसमें मुंह में हाथ में जो कलर वो मुंडा बर्निया, और ये मूलतः ऑरेंज कलर को ही बोलते हैं। जब ऑरेंज कलर स्किन है तो उसके बाद फड़ के चित्रण में ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाई जाती है, बिल्डिंग के शिखर बनाए जाते हैं कि सोने जैसे दिखते हैं। जो भी चीज सोने जैसी दिखे पीला कलर लगाया जाता है, और पीला कलर हड़ताल खनिज कलर है, खनिजों से प्राप्त होते हैं, पत्थर होते हैं, अलग अलग जगह से जाके पत्थर अलग अलग कलर के पड़ते हैं। रंगों को बनाने के लिए बहुत लंबी विधि है, पहले पत्थर लाना पड़ता है, पत्थर ला के उसको टुकड़े टुकड़े कर थोड़े समय के लिए मटके में गलाना पड़ता है, महीने दो महीने है तो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। बाद उसको सिल्ला पट्टी पर चटनी की तरह ग्राइंड किया जाता है, बांटने के बाद उसके अंदर जो रासायनिक है जो पेड़ों से मिलता है और उस कलर को छान गोंद मिलाया जाता है। गोंद मिलाने के बाद अपन कैनवास पर काम में ले सकते हैं। ये पीला कलर कलर दो कलर से मिला के बनता है, नीला और पीला। लाल का कलर लेंगे और नीला पौधों से मिलता है जिसे नील बोलते हैं, डली वाली नील बोलते हैं। वो पौधे के पानी को के अंदर सुखा के पतासा बनाया जाता है, फिर जब होती नील उतनी नील हड़ताल में मिला के हरा कलर बना लिया जाता है, और उसको हरा ये गमछे होते हैं, दुपट्टे होते हैं, साड़ियां होती है, पोशाकों के अंदर काम में लिया जाता, पेड़ों के अंदर काम में लिया जाता, हरे कलर का यहाँ यहाँ उपयोग होगा। तीन प्रकार के होते हैं, खनिज कलर भी होते हैं, वनस्पतिक कलर और रासायनिक कलर भी होते हैं। इन तीनों कलर अलग अलग जगह से प्राप्त किया जाता है, माइंसों में से, खनिज वनस्पतिक पेड़ों से, इनसे वनस्पतिक कलर मिलते हैं, और रासायनिक जो रसायनों को मिलाने से जो कलर बनते हैं वो रासायनिक कलर है। इन कलर को एकदम इकट्ठा नहीं किया जा सकता, एकदम नहीं बनाया, इसी वजह से आज के युग में जो कलर उपलब्ध है, जिनके पास पेंसिल कलर है वो पेंसिल का उपयोग करें, स्टोन कलर है वो स्टोन कलर, कैमल कलर यूज करें, जिनके कलर है वो फैब्रिक कलर यूज करें। कलर जो अभी आप मिल जाए सुलभ, उन्हीं कलर से आप फड़ पेंटिंग का काम करें। हरा कलर ड्रेस में काम आएगा, इसके बाद आता ब्राउन कलर जिसे भूरा हड़मच कहते हैं, की भाषा में भूरे कलर को हड़मच कहते हैं। हड़मच कलर में वास्तु का जो चित्रण होता है, बिल्डिंग का जो चित्र होता है, मैराफ वगैरह वहां काम किया जाता है, और कहीं कहीं ब्राउन कलर को ड्रेसेस की डिजाइन बनाने में भी काम में लिया जाता है। तो ये उपयोग फड़ में जहाँ जहाँ होता है उसका विवरण है। और लाल कलर जो मूलतः फड़ की रौनक, फड़ चित्रण में जैसे ही लाल कलर लगता है तो फड़ का जो चित्रण है एकदम खिल उठता है, और कलर से पोशाकें में और जो नायक होते हैं उनकी पगड़ियां बनाई जाती है, और कई जगह फड़ के अंदर चित्रण में काम आता है। लाल कलर के बाद की आउटलाइनिंग के लिए काला कलर काम में लेते हैं। कलर दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो अजल को पाड़ के गोद में मिला के काम में लेते हैं,
और दूसरा एक फल आता है और भिंडी, इन दोनों को के काला करके उसको पीस के छान के गोंद मिला के वो काला कलर दो तरीके से बनाया जाता है। जो केमल कलर काम में ले सकते हैं या फैब्रिक कलर काम में ले, जो आसानी से कलर उपलब्ध हो जाए वो कलर काम में ले सकते हैं। ये तो हो गया रंगों के बारे में। जब अपन काम में लेंगे तो उसको अपने हिसाब से पानी डाल के कर सकते हैं। अगर किसी कलर को थोड़ा लाइट करना है तो एक सफेद खड़ी, वो खड़िया मिला के इसको हल्का, हर कलर थोड़ी सी खड़िया मिला के उसको हल्का किया जा सकता है। जैसे ही कलर के अंदर अपन गोंद मिलाएंगे वो कलर जिस भी सतह पर लगेगा उसमें बहुत चिपक जाएगा, इसलिए हर कलर में थोड़ा सा गोंद मिलाना। कलर के बाद अपन बात करेंगे कि अब बात आती है कि चित्रण किस किस पे किया गया अब तक और किस नायक को पूजा गया और लोक देवताओं के रूप में। राजस्थान के अंदर देव नारायण लोक देवता हुए, उनके ऊपर देव नारायण की फड़ बनाई। देव नारायण की फड़ यूं तो 18-19 फीट लंबी होती है और 4 फीट चौड़ी होती है, और ये देव जो मंदिर होते हैं में लगाई जाती है, और वो मंदिर 15 दिन में एक बार इसको खोला जाता है, स्क्रोल को सारे गांव के इकट्ठे होते हैं और भोपा जाती इसको पढ़ के गाती है और रात भर इसका वाचन चलता रहता है। फड़ पेंटिंग देव नारायण ने अपने जीवन में के लिए अच्छे कार्य किए उसका चित्रण है, ताकि उस अच्छी चीज को देख के अपने जीवन को अनुसार अच्छा बना सके और समाज के उपयोगी बना सके, जीवन शैली बहुत अच्छी ढंग से जी जा सके। उस वो फड़ पेंटिंग प्रेरणा देती है। देव नारायण ने अपना सारा जीवन गायों की रक्षा और हितार्थ में अपना जीवन पूरा न्योछावर किया। उसी लोक देवता बाबूजी भी राजस्थान में हुए और बाबूजी जीवन शैली समाज के लिए ही रही और गायों के लिए, गो रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन और जीवन का जो सारा कार्य है गायों की रक्षा के लिए ही किया। और ये प्रेरणा मिलती है नायक से कि हर इंसान को पर्यावरण और जानवरों को बचाना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन शैली में पर्यावरण ही बहुत महत्वपूर्ण है। बाबूजी एक ऐसे लोक नायक हुए जिन्होंने पहली बार राजस्थान में ऊंट लेके आए। एक पेड़ जो राजस्थान में रेगिस्तान होने की वजह से कोई पेड़ तो वो पाकिस्तान के पास, वहां से खेजड़ी और खेजड़ा दो पेड़ लेके आए, राजस्थान के रेतीले इलाकों में लगता है, और रेगिस्तान में वो पेड़ उन्होंने लगाया और एक नया पर्यावरण दिया। जिस तरीके से देव नारायण की फड़ है उसी तरीके से बाबूजी का चित्रण होता है। के चित्रण के साथ साथ बाबूजी के चित्रण के साथ साथ माताजी की फड़ भी बनाई जाती है। माताजी ने समाज के लिए जो उत्थान के लिए जो राक्षसों का वध किया, जो मानवी के ऊपर उनका दमन किया, एक अपने पूरे जीवन को
नए जीवन लाने के लिए माताजी ने जो समाज की रक्षा के नए नए अवतार लिए, उन अवतारों का विवरण माताजी की माताजी के चित्र गोगा जी एक नायक हुए, गोगा जी के चित्रण हुआ, उसी रामायण राम जी के जीवन का चित्रण हुआ, के अंदर राम जी का जिस तरीके से उन्होंने समाज के लिए कार्य किया और प्रेरणा के स्रोत बने, और आज उनके जीवन हर व्यक्ति मर्यादा के अंदर रह के कार्य करने की प्रेरणा, यही चित्रण का मेन उद्देश्य है। जिस तरीके से रामायण नारायण भगवान की बाबू जी की फड़ का चित्रण हुआ, कृष्ण भगवान का जीवन का भी चित्रण फड़ पेंटिंग में हो, ये तो लोक देवताओं और नायकों के बारे में जाना और समझा। और इसी तरीके से हर लोक देवता के जीवन का चित्रण किया जा सकता है। आइए अब अपन थोड़ा सा फड़ का बेसिक ड्राइंग जो है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। फड़ पेंटिंग जब बनाते हैं तो पहले के जमाने में हमारी बच्ची से को बुला के और उससे प्रारंभ किया था। अब आज के युग में समय और स्थिति के हिसाब से स्वयं उसका चित्रण, और मैं आपको फड़ का चेहरा कैसे बनाया जाता है, फड़ के जो नायक और नायिकाएं, फड़ के अंदर जो पेड़ बनते हैं, बिल्डिंग कैसे बनती है, जरोखा कैसे बनता है, उसके बारे में मैं आपको बना के बताता हूँ। और आप मेरे साथ बना जिस तरीके से मैं बनाता हूँ वैसे आप ड्राइंग करिए। सबसे पहले स्केच करेंगे, ड्राइंग करेंगे, मैं चेहरे की, आप भी मेरे साथ चेहरे की ड्राइंग करिए। उससे पहले तो एक चीज और बता देता हूँ, फड़ का कैनवास कैसे तैयार, जिसके पास भी कपड़ा हो, कॉटन कपड़ा, वो कॉटन कपड़ा ले ले। एक ऐसा पटी, उस पटिए के ऊपर कॉटन कपड़े को रख दे। कॉटन के बाद अगर अभी जो भी उनके पास फेविक या स्टार्च है, फेविकोल का छोटा पानी पतला पानी कर लेने, ये मैदा से लाई बनती है, लाई बनती है, मैंने ये बनाई है और मैं ये आपके सामने चिपकाने का पेस्ट के रूप में काम में ले रहा हूँ। मैंने अब आप यहाँ इस तरीके से मेस करेंगे और इस कपड़े पे लगा दे तो ये चिपकने के लिए तैयार हो जाएगा। करके इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे तो ये कपड़ा इसके ऊपर जाएगा। ये तो है कैनवास प्रक्रिया तैयार, एक विधि। इस तरीके से फड़ का चित्रण होता है तो 17 फीट लंबा चित्रकार स्वयं तैयार करता है और उसको तैयार करने में 1 महीना लगता है। वो कैनवास होता है, एक विशेष जाति होती है मेघवाल और सालवी, उसे अपने फड़ चित्रण के नाप का, हाथ का, कपड़ा का ऑर्डर देके आता है। वो कपड़ा बन के आने के बाद उसको इस तरीके से चिपकाया जाता है और चिपकाने के को सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस तरीके से कोई इस अपने पास अगर कपड़ा है तो वो कपड़े से चिपका के सूखने के लिए रख सकता है। जब तक अपन फड़ कर ही लेंगे ये सूख जाएगा। जिनके पास कपड़ा नहीं है वो कागज पर कार्ड शीट पे वो ड्राइंग और पेंटिंग कर सकता है। सिंपल पेपर जो कि वाइट एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर या कोई भी ऐसी ड्राइंग शीट जो होती है उस पे भी वो कर सकते हैं। सबसे पहले अपन पेंसिल लेंगे और
मैं आपको फड़का कैसे बनाया जाता है उसकी बहुत ही सरल विधि एक ही में बीच में और दूंगा। फड़ सीखने का सबसे सरल तरीका फड़ है। को ड्राइंग सीखनी है, किसी को पेंटिंग सीखनी है, तो वो पहले सीख लेगा तो उसको विश्व की सारी पेंटिंगों का अनुभव आसानी से हो जाएगा। फड़ चित्र सबसे सरल तरीका है। अगर फड़ आ गए वो हर चीज की ड्राइंग कर सकता है, हर तरह की पेंटिंग की कर सकता है। फड़ के अंदर सीधी सीधी और करण सरलीकरण का चित्रण है। हम फड़ के नायक देवनारायण एक चित्र बनाएंगे, उनके चेहरे का ड्राइंग सबसे पहले इस तरीके से ललार पे ड्राइंग करेंगे, फिर नोज बनाएंगे, टिप बनाएंगे और फिर इसका चिन्ह बनाएंगे। यहाँ ठीक इसके सामने आई और ये ईयर बनाएंगे और ये इसका टर्बन बनाएंगे, पगड़ी और ये इसका पगड़ी का फोल्ड डालेंगे और ये इनका कुंडल बनाएंगे, ये इसकी नेक बनाएंगे। यहाँ तक होने के बाद अब इसको थोड़ा सा मेन ड्राइंग होगी, ये इसका नोज होगा, ये इसके लिप होंगे, चिन होगा और ये इसकी आईज होगी और ये इसका कान, ये कुंडल होगा। इसकी पगड़ी होगी, ये पगड़ी के फोल्ड होंगे, ये इसके चेहरे की ड्राइंग है। अब इसके चेहरे के अंदर आ जाएगा, ये देखिए मैं आपको ऑरेंज कलर भर के बता रहा हूं। पहले हमने चेहरे की ड्राइंग की, ड्राइंग उसके अंदर हम ऑरेंज कलर जिसे हम फड़ पेंटिंग में मुंडा भरनिया बोलते हैं, ये यहां तक चेहरा बनेगा। अब इसके जिन चेहरे का कलर भर लिया है, अब हम के नीचे की बॉडी की ड्राइंग करेंगे। पहले इसका हाफ पोर्शन बनाएंगे, ये इसका हाथ बनाएंगे, कड़ा बनाएंगे और ये इस तरीके से इसका बाजूबंद बनाएंगे, ये इसका के यहाँ बनाएंगे, फिर ये इसका बनाएंगे, फिर इसकी ये आगे वाले हाथ के कड़ा और ये एक फूल बनाएंगे, ये इनका गमछा बनाएंगे, ये इधर ये गमछा बनाएंगे, ये इनकी ढाल बनाएंगे और ये इनका ये दुपट्टा बनाएंगे। अब इसको हार्ड करेंगे,
ये इनका ऑर्नामेंट बनेगा यहाँ, ये इनकी बॉडी का एक ड्राइंग बना रहे हैं, ये इनका कड़ा, ये इनका हाथ, ये इनका बाजूबंद, ये इनकी माला, की चेस्ट, ये स्टमक, और ये इनका आगे का हाथ, और ये इनकी कमल सूंघने की मुद्रा, और ये आगे का। अब ये इनका गमछा, स्कार्फ जिसे कहेंगे, ये बनेगा, ये जी, ये जी इनका ये आप देखेंगे, इनका लोक देवताओं का, देव नारायण के नाम से जो लोक देवता है, बैठक की मुद्रा है, और इस तरीके से ये केवल लाइन का एक स्केच, एक ड्रॉ, उसके अंदर हमने चेहरे में ऑरेंज कलर भरा है, जिस तरह ऑरेंज कलर भरा है उसी तरीके से हम इनके हाथ पे कलर भरेंगे। जहां जहां है वहां वहां ऑरेंज कलर भरेंगे। ऑरेंज कलर के बाद फर्ड चित्रकला कलर क्रम से चलते हैं। सबसे पहले लाइट लेंगे, फिर उसे थोड़ा सा डार्क, फिर उससे थोड़ा सा डार्क, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के बाद कलर, येलो कलर के बाद ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के बाद ब्राउन, ब्राउन कलर के बाद रेड कलर, और रेड कहीं कहीं नीला कलर, ब्लू कलर के बाद ब्लैक, ब्लैक कलर से सारे फिगर की, सारी बॉडी की आउटलाइनिंग की जाती है, हर चीज की आउटलाइनिंग की होगी। जिस तरीके से अपन पेंसिल से कलर से चाकते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसी तरीके से जब सभी कलर लगने के बाद आउटलाइनिंग की जाती है। अब हम इनके ऑर्नामेंट्स बनाएंगे। इनके गले का हार बनाएंगे, गले का हार, ये इस तरीके से बनेगा, फिर कड़े बनेंगे इस तरीके, और ये बाजू, नीचे के गोल्डन की किनारी बनेगी, और ढाल की किन गोल्ड से ही बनेगी। यहाँ
पगड़ी में भी येलो कलर भरा जाएगा। येलो कलर के जो भी गोल्ड कलर की चीज है उसे हम येलो कलर से बनाएंगे। येलो कलर भरने के बाद हम इनके दुपट्टे बनाएंगे। ग्रीन कलर, येलो कलर के बाद ग्रीन कलर आ ग्रीन कलर का होगा। किसी किसी जगह नायक में ड्रेस भी बनाई जाती है और फड़ पेंटिंग के रंगों में एक होती है क्योंकि ये पत्थर के कलर होते हैं। कभी कलर ऐसा लगा है 50 साल भी बाद भी वो वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। उसके वो मिक्स करके नहीं बनाते, अब जो उनका उजाल होता है उसी रूप में वो कलर लगाया जाता है। पेंटिंग में खासियत ये है कि सारे कलर प्लेन, इसमें कोई डिजाइन नहीं होती, कोई शेड छाया प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, एक होते हैं और सरल तरीके से इसको लगाया और फ्रंट पेंटिंग को सरल तरीके से बनाया जाता है। ग्रीन कलर होने के बाद इसकी ड्रेस, नायक की जो ड्रेस है उसके अंदर रेड कलर और पगड़ी के अंदर कहीं कहीं लाल कलर का डिजाइन जो कि किनारी के रूप में बनाया जाता है। और उसके बाद इसका जो ड्रेस है लाल कलर लगाया, इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से और सीधे कुछ परेशानी के कलर को आराम से लगाया जाता है। कोई डिजाइन डालने की जरूरत ना, कोई छाया प्रकाश का में उपयोग किया जाता है। जैसा कलर है वैसा सीधा सीधा जैसी अपन ने ड्राइंग की उसके अंदर लगा लिया जाता है। ये देव नारायण जी की
देव नारायण जी की कई मुद्राएं ही है फड़ के अंदर, बैठने की, खड़े रहने की और सवार होके चलने की। उसमें से एक देव नारायण की बैठने की। अलग अलग नायक का जब चित्रण हुआ तो उनका अलग अलग से रंगों का उपयोग किया गया, अलग अलग जगह के हिसाब से उन नायक का कलर का उपयोग किया गया। जब भी उपया कलर बहुत सरल तरीके से ही लगाए गए, रंगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ मुद्रा में परिवर्तन हुआ, लेकिन रंग धरातल वैसा ही रहा, में परिवर्तन हुआ न रंगों में परिवर्तन हुआ। आप जिनके पास पेंसिल कलर है वो पेंसिल कलर भर सकते हैं, जिनके पास फैब्रिक कलर है वो इसी तरह का जो शेड है का कलर सीधा सीधा इसमें भर सकता है। देव नारायण जी की पोशाक और सभी कलर लग चुके हैं। मैं अब इन देव नारायण जी की आउटलाइनिंग कैसे होती है बताता हूँ। जिन भी बच्चों ने कला है वो मेरे साथ आके एक बार करें, ये देखेंगे ये इस तरीके देव नारायण जी का चित्र तैयार हो चुका है। अब मैं एक जानकारी और दूंगा आप सभी के, ये फर्क कैसे पता करें कि ये देवनारायण या बाबूजी हैं। देखो देवनारायण का चित्रण आप कभी देखें या कहीं देखें तो देवनारायण की फड़ के अंदर देवनारायण लक्ष्मण के अवतार है तो भी चित्रण होगा तो देवनारायण के सामने रहेगा। और बाबूजी का जब फड़ देखें, बाबूजी का जब चित्रण होगा तो बाबूजी के सामने भाला बनेगा, जो भाला उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग की तरह हथियार था और वो उनके चलते थे। वो भाले की एक कहानी उनके बहुत रोचक कहानी रही है। जब वो शादी करने जाते हैं पाबूजी राठौड़ परिवार से हैं, राजपूत परिवार से, जब वो शादी करते हैं तो अपना भाला अपनी पत्नी दे के जाते हैं और साथ में जो कपड़ा पत्नी के भाला कपड़ा नारियल, उस पत्नी को बोलते हैं कि अगर मैं इसे ना हूं तो इसके साथ सती हो जाना। का बहुत महत्वपूर्ण इस कथा में उनकी प्रमुख भाले को पूजा जाता है। बाबूजी अपने में उन्होंने गायों की रक्षा के लिए पूरा जीवन किया। बाबूजी ने पे बहुत ध्यान दिया। गो रक्षा का मतलब पर्यावरण, जिससे हमें घी दूध दही जीने की सारी खाने की बहुत सारी सामग्री मिलती है, उनका उन्होंने संरक्षण और पूरा अपना जीवन समर्पण और बलि, उसका बहुत अच्छा रोचक इतिहास है, रोचक कहानी चित्र किया जाता है। और ये चित्रण एक विशेष राज का परिवार है, जोशी परिवार, वही परिवार चित्रित करता है। और आज से नहीं, राणा सांगा अब तक
यही परिवार इस चित्र कथाएं चित्रित करता आया है, लेकिन आज की वो परंपरा को तोड़ के जो सीखने वाले जिज्ञासु हैं उन तक फड़ को पहुंचाया है। मेरे परिवार के सबसे बुजुर्ग ऋषि, इन्होंने विदेशों में कई जगह फड़ को पहुंचाया है। मेरे फादर राम गोपाल जी जोशी को बहुत जगह पहुंचाया है, और आप से मैं भी कई बार विदेशों में जाके फड़ का डेमो। एक डॉक्टर वंदना जोशी है, वो फड़ के ऊपर शोध किया और की मेवाड़ की चित्रलेखा में इन्होंने भी एक ललिताय करके एक किताब लिखी, जिसमें पर जितने भी लोगों ने आर्टिकल लिखे उन सब का एक शोध अपनी एक किताब बनाई और वो किताब लिखी, कई शोध फड़ शैली के ऊपर और कई शोध किए। फड़ एक बहुत ही रोचक है, फड़ कई जीवन शैलियों के चित्रण है। आज के युग में फड़ को कलाम साहब के जीवन का भी चित्रण किया है, अमिताभ बच्चन के जीवन का भी फड़ के अंदर चित्रण किया है, मोदी जी के जीवन का भी फड़ के अंदर चित्रण किया है। आज के समय फड़ का कंटेम्परेरी वर्क भी हो रहा है, मॉडर्न वर्क भी, पर मूलतः फड़ पारंपरिक से अगर बनाई जाए तो उसका आनंद ही अलग है। उसका जो स्वाद और लावण्य भोपे के साथ जो, और उसे देखा जाए और उसे समझा जाए तो जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का आनंद आता है, उस फड़ शैली के भोपे के मां समझने को मिलेगा। अब मैं एक मिनट में आपके सामने इस की आउटलाइनिंग करके बताऊंगा। आप सभी मेरे साथ नायक की आउटलाइनिंग करेंगे और देखें कि ये कितना अच्छा और सुंदर बनता है।
ये देखेंगे कि इसका लगभग कंप्लीट हो गया है। ये देवनारायण का चित्रण आप देखेंगे आउटलाइनिंग हो गई। इसमें बिल्कुल सपाट कलर लगाए हैं, सीधी सीधी लाइनिंग खींची। यही फर पेंटिंग है। फर पेंट शैली का ध्यान रख, उनके रंगों का ध्यान रखते हुए अगर कार्य करेंगे तो फर पेंटिंग बहुत ही। फर पेंटिंग मूलतः जो हुए उनके देवरों में बनाई जाती थी पहले। देवनारायण की चित्र कथा देवनारायण के दीवालों पर बनाई जाती थी, उसके साथ साथ कपड़े के ऊपर भी बनाई जाती थी। उनकी अलग तरीके से अलग अलग उनकी जीवन शैली की कथाएं अलग अलग आकारों में आती थी। और सभी इस तरीके से चित्र शैली बना के, और आप इसी तरीके से अपने घर पर फर पेंटिंग सीख सकते हैं। और आगे सीखना है वो जवाहर कला केंद्र के पेज पे आके सीख सकते हैं। और जिनको क्वेश्चन करना है कुछ बात, वो जवाहर कला केंद्र के पेज पे कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी क्लास लेने के लिए। सर कुछ सवाल है हमारे व्यूअर्स के पास आपके लिए। सर एक व्यूअर सवाल है, संजय सेठी ने ये पूछा है कि एक पेंटिंग में दो पुरुष फिगर हो तो क्या कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, ड्रेसों का चेंज किया जा सकता है। एक की बनाई जा सकती है, एक की लाल पीली बनाई जा सकती है, नीली बनाई जा, ड्रेस का कॉम्बिनेशन चेंज किया जा सकता है अपने हिसाब। जी सर। सर मीता माथुर का एक प्रश्न था, पत्थर के रंग कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? जयपुर में चांदपोल बाजार के पास में छोटी
वहां पर काफी देसी दवाइयां और देसी वाले के यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। जी सर, सर मिलेगा या फिर उदयपुर मिलेगा? जी जी सर, जो आपने स्टार्टिंग में एक कपड़े के ऊपर फर पेंटिंग का स्टार्ट किया था कुछ सिखाना, सर क्या आप एक बार वो दोबारा से बता सकते हैं एक बार, ताकि हमारे व्यूअर्स उसको एक बार और देख लें? जी, कैनवास कैसे तैयार किया जाता है का मैं बता सकता हूँ आपको। जी इस तरीके का एक फ्लैट कपड़ा लेंगे और कपड़े के एक इस तरह से लट्ठा लेंगे जो व्हाइट कलर का लट्ठा होता है, उस लट्ठे को इसके ऊपर स्ट्रेच कर देंगे और इसको चिपकाने के लिए आरारोट आई मैदा उसे लाई बनाई जाएगी। ये लाई चिपकेगा और अगर कोई छोटे रूप में फेविकोल का के इसको चिपका सकता है। इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे और इसके ऊपर मेस करने से ये कपड़ा चिपक जाए। ये इस तरीके से आप घर पर कर सकते हैं, पूर्णतः बना सकते हैं। लगने के बाद इसको तरीके से ये स्टार्च से चिपक जाएगा। और इसको समय लगेगा, घंटा दो घंटे लगेंगे। जिस तरीके से हमने ड्राइंग की है उसी तरीके से और इसी तरीके से ड्राइंग करके बनाएंगे। मैं आपको कुछ पेंटिंग्स भी दिखाता हूँ। ये बाबूजी की फड़ पेंटिंग है और अपनी कचहरी के अंदर बैठे हैं। तो आप मेन नायक को बड़ा बना के बाकी पंत हैं उनको छोटा बना के ऐसे कंपोजिशन कंपोज कर सकते। इसी तरीके से जब बाबूजी आते हैं तो घोड़ी के साथ इनको बनाया है और ये दो लेडीज हैं उनका वेलकम कर रही हैं और दो ये बाबूजी बारात लेके तोरण मारने के लिए। ये देवनारायण का फड़ में से लिया गया एक कंपोजिशन है और ये एक गार्डन का इसमें हुक्का पी रहे हैं उनके सामंत और ये चिड़िया और झूला झूलती हुई महिलाएं एक पोज करके ये कंपोजिशन बनाया है। ये है दोनों तरफ से एक पेड़ के यहाँ मीटिंग का एक स्थान इन्होंने डिसाइड किया था। पुराने कंपोजिशन को इस तरीके से सेट किया। तो इस तरीके से ड्राइंग करके और मेवाड़ की जो
पेंटिंग की किताब है उसको खरीद कर चित्रण बनाया जा सकता है। इसे सीखना है वो जवाहर कला केंद्र के पेज पे आके और सीख सकते हैं। सर, जो आपने अभी फैब्रिक को अच्छी तरह स्टार से चिपका के और उसके ऊपर रख दिया था, तो सूखने के बाद उस पे हम जी क्या करेंगे, थोड़ा आप अगर बता सकें तो। जब वो फैब्रिक सूख जाता है, जिस तरीके से अपन पेपर के ऊपर ड्राइंग की जी उसके ऊपर ड्राइंग करेंगे, हम तो से कलर से करते हैं। सीखने वाले पहले पेंसिल से ड्राइंग कर ले, फिर उसके अंदर कलर भरना स्टार्ट कर दे। जो पेपर पे प्रोसेस, वही प्रोसेस उस पे रहेगा, कैनवास पे। सिर्फ धरातल चेंज होगा, कलर और ड्राइंग सब चीज बेसिक वही रहेगी। सर, इसका मतलब जो आप फैब्रिक अच्छी तरह स्टार्च से चिपकाया था वो अब रेडी टू यूज है, हम उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं और उसे से ड्राइंग और बेस करके और उसको सुखा के और पूरा फड़ का चित्रण आराम से कर सकते हैं। और धन्यवाद। आज के टाइम में भी जी, थैंक यू जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर फर सेशन लेने के लिए हमारे साथ। कल यानी बुधवार को हम फिर शाम 6:30 बजे मिलेंगे आर्ट टॉक में, जिसका विषय है अ जर्नी विद मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान। हमारे साथ इस आर्ट टॉक में पेंटिंग एक्सपर्ट्स नाथूलाल वर्मा सर, समंदर सिंह खंगारोद सर और महावीर स्वामी सर रहेंगे, और इस आर्ट टॉक को मॉडरेट करेंगी उषा भाटिया जी। तो कल यानी बुधवार को शाम 6:30 बजे हम फिर मिलते हैं इस आर्ट टॉक।